चलिए, हेलो एवरीवन, दिस इज चंदन कपूर और हम लोग एसपी गुरु चैनल में आपका स्वागत करते हैं। और हम लोग यहाँ पे एक क्रैश कोर्स कर रहे हैं नीट के लिए, और उसमें हम लोग अभी रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व सरफेस, ये हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा पिछले क्लास तक कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेंस का फोकल लेंथ कैसे चेंज होता है, किसी लिक्विड में मर्ज करते हैं तो फोकल लेंस क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, सो आगे आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। उसके लिए देखते हैं रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज स्पीड, है ना। ऑब्जेक्ट स्पीड और इमेज स्पीड के बीच में क्या रिलेशन होगा। सपोज कोई लेंस है, कोई लेंस है हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस है, और उस कॉन्वेक्स लेंस के तरफ, है ना, कोई ऑब्जेक्ट बहुत स्पीड में मूव कर रहा है ना। कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसके उसी के तरफ, मतलब कि ऑब्जेक्ट के तरफ, लेंस के तरफ ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस, सो ये कॉन्वेक्स लेंस हुआ, ये कॉन्वेक्स लेंस के तरफ कोई ऑब्जेक्ट वी ओ स्पीड से मूव कर रहा है। मूव करने से इमेज में क्या होगा वो देखेंगे। तो जब मूव करेगा तो विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ स्पीड उसका चेंज नहीं हो रहा है टुवर्ड द लेंस, फ्रॉम इन्फिनिटी टू फोकस, इन्फाइनाइट से आ रहा है और फोकस के तरफ, यहाँ फोकस के तरफ आएगा। ठीक है, द इमेज विल मूव मीव, पहले इमेज क्या होगा, स्लो स्लो मूव करेगा इन द बिगिनिंग एंड देन फास्ट, शुरू में पहले स्लो स्लो मूव करेगा और जैसे जैसे ही ऑब्जेक्ट नज़दीक आते जाएगा उसका स्पीड क्या होगा, तेज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो स्पीड कितना दिया जाता है, तो वो स्पीड होता है ये हमारे पास है, दिस इज द स्पीड ऑफ, है ना, ये ऑब्जेक्ट जब हमारे पास ये रहेगा तो ये स्पीड हम लोग देख सकते हैं, स्पीड ऑफ इमेज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एफ प्लस यू का होल स्क्वायर, विच इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन इनटू वी नॉट। ये हमारा क्या रहेगा, स्पीड रहेगा किसका, इमेज का। तो इमेज का स्पीड इस तरह से दे सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन करने का ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत शॉर्ट टाइम है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, केवल इसको ध्यान में रखेंगे, एफ डिवाइड बाई एफ प्लस यू का होल स्क्वायर इंटू वी नोट, ये हमारा इमेज का स्पीड रहेगा। ठीक है, चलिए ये हमारा स्पीड से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे फिर देखते हैं इसमें, ओके। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंस को कंबाइन करेंगे। तो लेंस को कंबाइन करने पे क्या होता है, इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं
कि अगर एक से ज़्यादा लेंस हो, जैसे एक लेंस ये है थिन लेंस, यानी पतले लेंस का हम लोग बात कर रहे हैं, एक का फोकल लेंथ एफ वन है, दूसरे का फोकल लेंथ क्या है एफ टू, दोनों को हम लोग क्या किए इस तरह से कंबाइन किए हैं। मान के चल रहे हैं कि ऑप्टिकल सेंटर के बीच का गैप बहुत कम है, ये किसके लिए बात हो रहा है, तो थिन लेंस के बीच का बात हो रहा है, पतले लेंस के बीच का बात हो रहा है। तो इस कम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होता है 1/f इक्वल टू हम लिखते हैं 1/f1 प्लस 1/f2, इस तरह से लिखेंगे। पावर लिखेंगे तो पावर ऑफ द कम्बिनेशन इज इक्वल टू p1 प्लस p2। कैसे ये हुआ, तो ये ध्यान से देख लेंगे, ये क्या है कि पावर जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। सो यहाँ से 1/f1 को p1 बोलेंगे, 1/f2 को p2 बोलेंगे, और 1/f को पूरा p बोलेंगे, तो ये हमारा पावर ऑफ लेंस रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे क्लियरली विजिबल है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 1/f, ये फोकल लेंथ हो गया। फोकल लेंथ के बाद अगर हम लोग देखें तो इसको क्या चीज़ पावर निकालनी है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अगर देखेंगे तो 1/f इसको हम लोग लिख सकते हैं, f1 f2 कॉमन निकाल लिया तो ये f1 प्लस f2 इस फॉर्म में भी आ सकता है, एलसीएम लेके बनाएंगे। सो फोकल लेंथ हमारा कॉम्बिनेशन का जाएगा दो रहेगा, f1 इंटू f2 डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2, ये कम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ हो गया। दो लेंस को कंबाइन किए हैं तो पावर डायरेक्ट ऐड हो जाता है। फोकल लेंथ इस तरह से होता है, लेकिन मैग्नीफिकेशन का बात करेंगे तो मैग्नीफिकेशन जो हो जाता है M1 पहला लेंस का मैग्नीफिकेशन इंटू दूसरे लेंस का मैग्नीफिकेशन, दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे तो ये हमारा मैग्नीफिकेशन आ जाएगा, नेट मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन प्रोडक्ट के बराबर होता है, लेकिन फोकल लेंथ जो होता है ये वो सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ हम लोग को मिलता है, ये है ना। फिर हम लोग आगे कंबाइन करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि पावर हो गया मैग्नीफिकेशन प्रोडक्ट में होता है। मान लो एक से ज़्यादा अगर लेंस रहेंगे, ये किसी भी लेंस के लिए वैलिड है, याद रहे यहाँ पे जो इस जो भी फॉर्मूला है ये सब में हम लोग को साइन कन्वेंशन का यूज करना है, साइन कन्वेंशन का यूज करते ही है फॉर्मूला में, लेकिन याद रहे एक बार करेंगे, इस एक बार करने के बाद फिर दोबारा नहीं करना है, एक बार जो भी वैल्यू लेना है वो एक बार ले लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग दोबारा नहीं लेंगे, तो ये ध्यान रखना है। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं आगे, और भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं इसमें, जैसे ये एक, ये कितने कॉम्बिनेशन था, ये हमारे पास दो कॉम्बिनेशन थे, तो इसके अलावा अगर दो से अधिक कॉम्बिनेशन अगर हम लोग बनाते हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना दिए, एक से ज़्यादा बहुत सारे लेंसेज को अगर जोड़ दिए जिनका फोकल लेंथ f1 f2 f3 f4 एंड डॉट 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 और भी रहेगा, तो कम्बिनेशन का फोकल लेंथ जो रहेगा 1/f इक्वल टू वो ऐसे लिखेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 डॉट 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 जितने भी रहेंगे वो। पावर लिखना रहेगा तो पावर इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस डॉट 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 डॉट, ये हमारा क्या होगा पावर होगा। और अगर मैग्नीफिकेशन का बात करेंगे तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा प्रोडक्ट हो जाएंगे M1 क्रॉस M2 क्रॉस M3 क्रॉस M4 क्रॉस, है ना, ऐसे ऐसे डॉट 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 करते जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा मैग्नीफिकेशन होगा। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हुआ, लेंस का कंबाइन करेंगे। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन लेंस के बीच में अगर गैप हो, मान लो दो लेंस है और उनके बीच में क्या है गैप अगर हो जाए तब क्या करेंगे, है ना, तो कॉम्बिनेशन जब हमारा क्या होगा लेंस के बीच में क्या हो जाए गैप हो जाए, तो इसको मैं क्या करता हूँ रिमूव करता हूँ और दो लेंस है उनके बीच का कॉम्बिनेशन देखते हैं। ये दो लेंस है अलग अलग, याद रहे कोई भी लेंस हो सकता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ ये कोई भी लेंस हो सकता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉनकेव कॉन्केव कॉन्केव कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कोई भी हो सकता है, इसका फोकल लेंथ F1 और F2 है, दोनों लेंस को कंबाइन किए, इनके बीच का गैप अगर डी है ना, तो इनका फोकल लेंथ अगर दोनों अगर
कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालेंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी f1 इंटू f2 ये हो जाएगा। पावर निकालेंगे तो पी ओवरऑल इक्वल्स टू p1 प्लस p2 माइनस डी और ये p1 इंटू क्या हो जाएगा p2, ये हमारा क्या हो जाएगा पावर ऑफ लेंस हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीफिकेशन इसको हम लोग को अलग तरफ से निकालना पड़ेगा। मैग्नीफिकेशन डायरेक्ट हम लोग प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट मैग्नीफिकेशन ही, तो ये हमारा आ सकता है m1 इंटू m2, ये हमारा मैग्नीफिकेशन आएगा। तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अगर लेंस को कंबाइन करते हैं, लेकिन अगर इनके बीच में गैप है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अगर रहता है तो उसके लिए माइनस डी अपॉन f1 f2 यानी पावर क्या हो जाता है घट जाता है, यानी फोकल लेंथ क्या हो जाता है बढ़ जाता है। जब लेंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ाएंगे, मान लो कि पहले दो लेंस चिपका हुआ है एक दूसरे से, उसका फोकल लेंथ कुछ दिया है, अब क्या करें उनके बीच के गैप को बढ़ा दिए तो फोकल लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो यहाँ दिख रहा है कि पावर जो है वो कम हो गया है, तो पावर कम होने के कारण क्या कम हो जाएगा, ये पावर कम हो गया इसका मतलब क्या हो गया फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगा। रेसिप्रोकल होता है तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, तो फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, पावर कम हुआ है तो। ठीक है, सो ये हमारा क्या होगा, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया लेंस का, पहले ऐसी कॉम्बिनेशन देखे, उसके बाद इनके बीच में गैप रहा उसका हम लोगों ने कॉम्बिनेशन देखा। चलिए फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। तो कॉम्बिनेशन के बाद जो हमारे पास आता है वो है ये, यही कॉम्बिनेशन दिया हो, दो लेंसेज है f1 और f2, इनके बीच का डिस्टेंस अगर d है तो इसका हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, है ना, कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं इस तरह का कॉम्बिनेशन रहेगा तो क्या करेंगे, हमारे पास क्या है एक तो समथिंग इज दे बैड है था। हाँ, तो ये था। अब कॉम्बिनेशन हम लोग इस तरह से लिए हैं, दो लेंस लिए हैं, इसको इस तरह से रखें, इस तरह से रखें, तब कॉम्बिनेशन में क्या आएगा तो देख रहे हैं, ये f है, ये भी f है, इसका फोकल लेंथ कितना होता है, इसका फोकल लेंथ अगर देखें, इसका फोकल लेंथ f है तो टोटल कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ f हो जाएगा। अगर ये f है ना, और उसको बीच से काट दिए हैं, कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग बात करें कि क्वेश्चन में है कि अगर हमारे पास कोई लेंस है, इसको क्या किए बीच से ऐसे कट कर दिए, है ना, और इसका फोकल लेंथ कितना है f दिया हुआ है, f फोकल लेंथ है, इसको कट कर दिए। कट करने के बाद एक अरेंजमेंट हम लोगों ने इस तरह से बनाया है, है ना, दूसरा अरेंजमेंट हम लोगों ने इस तरह से बनाया है, है ना। तो इस तरह से अगर अरेंज करके रखते हैं तो बोल रहा है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन इस तरह से रखे हुए हैं तो इनका फोकल लेंथ क्या होगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे गिवन है कि अगर क्या करते हैं कि एक बार इस तरह से रखें और दूसरा बार इस तरह से रखें तो फोकल लेंथ एफ ही रहेगा, फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ सेम रहेगा। ठीक है, फोकल लेंथ सेम है तो पावर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, पावर भी चेंज नहीं होने वाला है। मतलब ये लेंस था और इस लेंस को हम लोगों ने क्या कर दिया, बीच से कट कर दिया, ये लेंस था और लेंस को हम लोगों ने बीच से कट करके दो तरह से अरेंजमेंट किए हैं, और दोनों तरह से अरेंजमेंट करने पे अगर क्या होता है, ये दोनों तरफ से अरेंजमेंट करते हैं तो इसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होता। यहाँ पे ये फोकल लेंथ एफ है, अगर बीच से काटते हैं और काट के इस तरह से अगर ज्वाइन करते हैं तो फोकल लेंथ आधा हो जाता है और यहाँ पे फोकल लेंथ इन्फिनाइट हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, कट करके काट के और इसको अलग अलग तरह से बांटे हैं और कॉम्बिनेशन बनाए हैं। अब कॉम्बिनेशन बनाने के बाद फोकल लेंथ क्या हुआ है उसको देख लेंगे, है ना। तो फिर से अगर देख लेंगे इसको हम लोग अगर करना चाहें तो, पहले क्या किए, पहला केस में हम लोगों ने इस तरह से किया, फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि पहले केस में हम लोगों ने एक लेंस लिया जिसका फोकल लेंथ एफ था और इसको बीच से इस तरह से काट दिया। काटने के बाद दो अरेंजमेंट मैंने बनाया, पहला अरेंजमेंट लेंस का ये वाला पोर्शन और लेंस का ये वाला पोर्शन, दोनों कॉन्वेक्स पोर्शन को हम लोग एक साथ टच में रखें तो अगर फोकल लेंथ निकालें तो इसका वैल्यू एफ आया है इस कॉम्बिनेशन का। फिर हम लोगों ने क्या किया, ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन कैस्केड फॉर्म में रख दिया है, तो इसमें जो फोकल लेंथ आएगा वो फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन का जो आएगा
वो भी क्या रहेगा, एफ रहेगा। ये पहला चीज किए थे। दूसरा जो फिगर में है वो हमारा फोकल है, ये है, इसको हम लोगों ने इस तरह से काट दिया है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग काट दिया है। काटने के बाद उसके बाद इनका फोकल लेंथ एफ है। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको इस तरह से अरेंज कर दिया दोनों को काट के, ये वाला नीचे वाला पोर्शन ऊपर जा कर रख दिया, ऐसे दोनों रख दिए। तो रखने के बाद अब फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, एफ का वैल्यू कॉम्बिनेशन का ये हो जाएगा एफ बाई टू। ये कैसे फोकल लेंथ एफ बाई टू होगा, तो वही कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर 20 से काटते हैं तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है, 20 से अगर कोई चीज़ काट देते हैं तो फोकल लेंथ चेंज होता है, डबल हो जाता है, तो डबल फोकल लेंथ हो जाएगा। देखो ये 20 से अगर कोई चीज़ काट देते हैं, ये वाला पोर्शन ये इसका तो रेडियस ऑफ इनफिनाइट होता है, ये आर होता है, तो इसका फोकल लेंथ निकालते हैं तो डबल हो जाता है फोकल लेंथ, है ना, इनिशियल के। अब इसको कॉम्बिनेशन का निकालेंगे तो 1/f = क्या होता है, 1/f1 + 1/f2। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाए, 1/2f + 1/2f, 1/2f और 1/2f मिलके 2/2f हो जाएगा, और 2/2f कितना हो गया, 2/2f, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/f के बराबर आया, यानी कि कैपिटल F का वैल्यू स्मॉल f के बराबर यहाँ पे आ गया है। तो वही वैसे ही कॉम्बिनेशन करेंगे तो सेम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो ये f बाई टू हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 20 से काटते हैं तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है, तो फिर फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है। अब इसको कैस्केड फॉर्म में रख दिए हैं तो इसका फोकल लेंथ चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर इसी को अगर हम लोग इस तरह से रख देते एक बार ऐसे, और एक उल्टा करके इसको इस तरह से ऐसे अगर हम लोग क्या कर देते हैं, रख देते हैं, है ना, तो अब फोकल लेंथ जो हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा, फोकल लेंथ इन्फाइनाइट हो जाएगा ये, क्योंकि ये कैसे काम करने, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस जैसा काम करने लगेगा, इसीलिए इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा था कॉम्बिनेशन। इसको फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सिल्वरिंग ऑफ लेंस, या लेंस को सिल्वरिंग करेंगे, इसको पेंट करेंगे, है ना। लेंस को क्या करना है, एक साइड से हम लोग को पेंट करना है। जैसे ये है हमारा लेंस, क्वेश्चन में अगर लेंस अगर गिवन है, और लेंस को हम लोग क्या करेंगे, इसको पेंट करेंगे, ये हम लोग को लेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेंस गिवन है, और लेंस को हम लोगों ने क्या किया, लेंस अलग अलग तरह का हो सकता है, ये लेंस हो गया जिसके एक पोर्शन को क्या कर दिए, एक पोर्शन को हम लोगों ने सिल्वर कर दिया। तो मालूम है जब सिल्वर करने पे लेंस जो है वो मिरर जैसा बिहेव करने लगता है, और उसका फोकल लेंथ हम लोग इस तरह से लेते हैं, 1/f = 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर, है ना। अगर ये बात किया जाए, अलग अलग कॉम्बिनेशन आएंगे और वो सारे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन से कॉम्बिनेशन में सिल्वरिंग करेंगे तो फोकल लेंथ क्या आने वाला है। तो पहला कॉम्बिनेशन इस तरह से हो सकता है, दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि मैंने एक तरह के इस तरह का लेंस लिया और इसके इस पोर्शन को क्या पोर्शन को सिल्वर्ड कर दिया। फिर ये भी हो सकता है कि मैंने इस तरह का लेंस लिया और इसके ये वाला पोर्शन को क्या कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया, तो उसके बाद नया फोकल लेंथ क्या आएगा, तो इसको देखना है। तो हम लोग को मेन ध्यान रखना है कि 1/f जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ होगा वो 2/ फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1/ फोकल लेंथ ऑफ मिरर। बोलेंगे ये कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, तो अगर इसको हम लोग गौर से देखें तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज द लेंस कॉन्वेक्स लेंस एंड द ये कॉनकेव मिरर, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर। यहाँ पे देखेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लस कॉन्केव लेंस का कॉम्बिनेशन है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लस किसका है, प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसका जो फोकल लेंथ होगा उसको फोकल लेंथ ऑफ लेंस बोल रहे हैं, इसका जो फोकल लेंथ होगा उसको फोकल लेंथ ऑफ मिरर बोल रहे हैं। यहाँ पे भी फोकल लेंथ ऑफ लेंथ होगा, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ लेंस हो गया और फोकल लेंथ ऑफ मिरर हो गया। या मैंने पूछा था कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है क्या, इसका ऑप्शन मैं बोला था कि कमेंट करने के लिए कि अगर कोई प्लेन मिरर है उसका फोकल लेंथ कितना होता है, तो कितना होता है मैं आज बता दे रहा हूँ, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ जो होता है वो होता है इन्फाइनाइट, ठीक है।
प्लेनर का फोकल लेंथ इन्फाइनाइट होता है। चलिए तो ये इस तरह से सिल्वरिंग करेंगे और फोकल लेंथ निकालेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं और अलग अलग तरह अलग अलग ये कम्बिनेशन और एक कम्बिनेशन सबका हम लोग फोकल लेंथ निकालते हैं एक एक करके। और इस तरह से अभी तो क्वेश्चन नीट में आया नहीं है, हो सकता है तो नीट में पूछ सकता है क्वेश्चन, ये ज़्यादा टफ नहीं है, आसान लेवल का है तो ये नीट में आ सकता है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, अलग अलग सेट का देखेंगे। पहला कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देखा ये है, यह है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लस प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर का हम लोगों ने कॉम्बिनेशन देखा और यहाँ पे अगर हम लोग फोकल लेंथ निकालेंगे F1 का वैल्यू अगर देखेंगे तो F1 का वैल्यू कितना होता है, तो मान लेते हैं ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर R दिया रहेगा इसका, तो ये हो जाता है R अपॉन 2 म्यू माइनस 1, ये हमारा रेडियस ऑफ ये प्लेनो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ होता है। ठीक है, ये जो हमारा लेंस है प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, ये होता है इन्फाइनाइट। तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालना है तो 1/f 2/fl + 1/fm, यही हमारा 2/f, ये हमारा कॉम्बिनेशन का यही चीज़ है 2/fl / fm, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन का है। तो इसी तरह से ये हम लोग इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं 1/f = 2/ इसका वैल्यू पुट करेंगे r ऊपर में, ये कितना fl का वैल्यू पुट करते हैं तो ये r ये आ जाएगा ऊपर में चला जाएगा (2μ-1) ये आया, और प्लस fm का वैल्यू इन्फाइनाइट है 1/∞ क्या हो जाता है 0। तो हमारा कॉम्बिनेशन जो फोकल लेंथ आ गया वो r और रेसिप्रोकल करेंगे इसको उल्टा करेंगे तो ये 4 क्या जाएगा (μ-1), ये हमारा कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है, लेंस का तो इसका फोकल लेंथ आ गया (r/4μ-1), ये कॉम्बिनेशन हो गया फोकल लेंथ का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आगे एक और कॉम्बिनेशन देखते हैं और उसका हम लोग फोकल लेंथ निकालेंगे। तो नेक्स्ट ये हमारा कॉम्बिनेशन है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है एंड प्लस कॉनकेव मिरर है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, फिर से यहाँ पे देखते हैं fl का वैल्यू निकालेंगे तो fl फिर से हमारा आ जाएगा कितना, fl का वैल्यू यहाँ पे पिछले वाले में fl का वैल्यू हम लोगों ने जो ले लिया था वो हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर का ले लिया था, ठीक है, जो कि गलत था। ठीक है, तो यानी कि पीछे वाले क्वेश्चन में फिर से हम लोग को इंटर करना पड़ेगा और ये फिर से बताना पड़ेगा कि fl का जो वैल्यू होता है वो fl का वैल्यू कितना होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो fl = होता है तो fl का जो वैल्यू होता है वो होता है r/μ-1, इतना ही होता है। fm का वैल्यू जो है इन्फाइनाइट है, तो अगर 1/f का वैल्यू निकालेंगे तो 2/fl + क्या हो जाएगा 1/fm, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/f 2 fl का वैल्यू पुट करेंगे तो r नीचे ऊपर हो जाएगा (μ-1) है ना, प्लस 1/fm का इन्फिनिटी, 1/∞ 0 होता है, सो f का वैल्यू आ जाएगा r/2μ-1, ये इस केस में r/2μ-1, पीछे जो बताए थे वहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गया था, ये मिस्टेक होगा तो यहाँ पे 2 हम लोगों ने प्लेस कर दिया था जो कि इस लेंस का फोकल लेंथ होगा, है ना, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है उसमें 2 नहीं रहता है, डबल होता है फोकल लेंथ। ठीक है, सो नेक्स्ट आगे फिर से कंटिन्यू करते हैं, इसमें दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में fl का वैल्यू कितना होगा अगर देखेंगे तो fl का वैल्यू जल्दी से बताएंगे, सेम वही है तो fl यहाँ पे भी कितना होगा, सेम वही होगा r/μ-1, ये fl होगा। ओके, फिर से fm का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से फोकल लेंथ होता है r/2, इसमें का ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, अगर लेंस स्फेरिकल है तो उसका फोकल लेंथ r/2 होता है। अब हमारे पास फॉर्मूले हैं 1/f = 2/fl + 1/fm,
वन बाई फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई एफ एल का वैल्यू अगर पुट करते हैं आर, तो ऊपर में म्यू माइनस वन आ गया, एंड प्लस एफ एम का वैल्यू पुट करेंगे टू अपॉन आर आ गया। अगर आर एल सी एम अगर लेके सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा टू म्यू माइनस टू और प्लस टू, टू टू कैंसिल हो गया यहाँ पे, और यहाँ से आ गया टू म्यू अपॉन आर। अगर फोकल लेंथ निकालते हैं तो रेसिप्रोकल इसको भी कर देंगे, उसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो ये भी आ जाएगा आर अपॉन टू म्यू। तो ये फोकल लेंथ, इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ आर अपॉन टू म्यू आया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगर हम लोग ज़्यादा टाइम देंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए जितना हो सके इतना स्पीड में। अब ये कॉम्बिनेशन बचा, इसमें कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है प्लस कॉनकेव मिरर है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो फिर से हम लोग वही करते हैं, यहाँ पे एफ एल का वैल्यू जो है ये आ जाएगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए टू म्यू माइनस वन, उसका अगर फोकल लेंथ निकालेंगे तो ये होता है एफ एम का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ये होता है आर बाई टू, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन आर बाई टू होता है। अगर इसमें हम लोग पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आना चाहिए चेक कर लेते हैं। डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई सॉरी आर, ये आ गया टू सॉरी जो पहले फॉर्मूला हम लोग डाल देते हैं, फॉर्मूले हमारे पास कितने हैं, टू डिवाइडेड बाई एफ एल प्लस वन बाई एफ एम। तो अब देख लिए इसको बना के, आंसर कमेंट में करेंगे कितना आया है। ठीक है, सो ये हमारा सेम उसी तरह से बनेगा, बाकी कॉम्बिनेशन का जो बनाया है इसमें भी हमारा वही कॉम्बिनेशन से बनेगा, तो बना के इसको इसमें कमेंट आंसर में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा कंपोजिट लेंस, इफ़ लेंस इज मेड ऑफ सेवरल मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल से मिल के बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट लेंस बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि लेंस हमारा ऐसे है और ये डिफरेंट मटेरियल से बना है, एक दो तीन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू थ्री है, तो कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, तो जितना नंबर ऑफ मटेरियल यूज होगा उतना नंबर ऑफ इमेज बनेंगे। तो नंबर ऑफ इमेज जो फॉर्म होगा वो कितना इमेज फॉर्म होगा, तीन मटेरियल है तो थ्री यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होंगे। तो जितना नंबर ऑफ मटेरियल रहेंगे उतना नंबर के इमेज फॉर्म होंगे। तो फिर से हम लोग इसको और अगर देखेंगे कि मान लो इससे ज़्यादा भी रहेगा तो क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि एक दो तीन चार पाँच, पाँच मटेरियल का यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं, तो इसका नंबर ऑफ इमेज कितना फॉर्म होगा कंपोजिट लेंस के लिए, तो यहाँ नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे, पाँच होंगे, पाँचों अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो अलग अलग लाइट रिफ्रैक्शन पास करके जाएगा और उनका अलग अलग इमेज बनाएगा। तो यहाँ पे सेवरल लेंस जो हैं वो पाँच इमेज बनाएंगे, जितने नंबर ऑफ मटेरियल रहेंगे उतना यहाँ पे इमेज बनने वाला है। ठीक है, सो हम लोग आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। अ लेंस इज मेड ऑफ फ्लिंट ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है। व्हेन द लेंस इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 देन द फोकल लेंथ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, हम लोग को क्या निकालना है। पहले ये लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और इसके तरफ पहले क्या था, एयर था, तो इसका फोकल लेंथ कुछ होगा, मान लेते हैं एफ। एफ का वैल्यू जब निकालेंगे तो हम लोग वन यहाँ पे जो लेंस मेकर फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो उस अकॉर्डिंग लेंस मेकर अगर दोनों तरफ एयर हो तो लेंस मेकर फॉर्मूला से वन बाई एफ इक्वल्स टू मान लेते हैं एफ वन एयर में है, एफ वन कंडीशन मान लेते हैं, म्यू माइनस वन है ना, और अपॉन वन बाई आर वन, ये आर प्लस वन बाई आर कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाता है म्यू माइनस वन डिवाइड टू डिवाइड बाई आर, ये हमारा एफ वन का वैल्यू वन बाई एफ वन का रेशो आता है।
अब इसी को क्या करते हैं, लिक्विड में मर्ज कर देते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.25। तो ओके, ये 1.5 है और ये क्या है, 1.25 वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इस लेंस को मर्ज कर दिए। तो मर्ज करने के बाद अब जो 1/F2 जो आएगा, वो F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये μ1 माइनस μ2 था, बाकी जब सब सेम रहेगा, खाली केवल क्या चेंज होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो बाकी सब मैं बोला कि सेम रहेगा, केवल क्या चेंज होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, यहाँ पे 2 का 2 रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा म्यू लेंस का डिवाइडेड बाय म्यू मीडियम का -1 डिवाइडेड बाय, और ये क्या रहेगा, आर, है ना। हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकाल के बताना है कितना फैक्टर इंक्रीज बाय अ फैक्टर, कितना फैक्टर से इंक्रीज किया है, वो फैक्टर हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, F1 का वैल्यू और F2 का वैल्यू दोनों देखिए, F1 आ गया है R अपॉन 2 म्यू -1, है ना, F2 आ गया है, वो दोनों का वैल्यू पुट करेंगे और निकाल के चेक करेंगे कितना आ रहा है, ठीक है। सो हम लोग इसको आगे देखते हैं, बनाते हैं कैसे बनाएंगे। तो हम लोग ने बनाया और हमारे पास आया F1 = आ गया R अपॉन 2 म्यू -1, ठीक है, ये आया है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, R है, 2 है, म्यू का वैल्यू अगर पुट करना चाहें तो 3/2 ले सकते हैं, 1.5 को 3/2 लेते हैं, तो 3/2 -1, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से आ जाता है, ये 3/2 में से 1 माइनस करते हैं तो एलसीएम लेके तो 1/2 आता है, ये R के बराबर आ गया, F1 का वैल्यू R के बराबर आ गया, ठीक है। हम लोगों ने लेंस कौन सा यूज, कोई भी लेंस यूज किया है, F2 का वैल्यू जब निकालते हैं तो यही हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है F2, और ये म्यू एल अपॉन म्यू एम -1, यही फॉर्मूला रहता है बस। R2, म्यू एल का वैल्यू 3/2 है, म्यू एम का वैल्यू मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25 है, इसको हम लोग अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1.25 100 हो गया, 25 से अगर इसको करेंगे तो 25 5 जा ये हो गया, और 25 4 जा ये हो गया, तो 5/4 है एक्चुअली वो, तो यहाँ -5, सॉरी यहाँ पे जो होगा डिवीजन में है 5/4, तो 5 नीचे ऊपर क्या हो गया 4 इतना, और -1। इसको सॉल्व किए, R यहाँ पे 2, यहाँ एलसीएम 2 कैंसिल होकर यहाँ पे एलसीएम 2 हो गया, तो 6/5 आ गया, तो 5 एलसीएम लेंगे, 6 - 5 1/5 आ गया, तो ये आ गया 5R, ऊपर चला जाएगा 5, तो 5R अपॉन नीचे क्या हो गया 2, और 6 में से एक जाएगा तो 1, तो 5R/2 हमारा क्या हो गया, ये फोकल लेंथ F2 आ गया, ठीक है। अब देख रहा है कितना फैक्टर से, है ना, क्या हो रहा है कि दोनों चेंज हो रहे हैं, वो हम लोग को बताना है। तो देखो ये था R था, अब कितना 5/2, R के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, F1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 × R, R के जगह पे हम लोगों ने F1 लिख दिया, तो कितना फैक्टर से, 5/2 फैक्टर से क्या हो गया, फोकल लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, तो फोकल लेंथ इंक्रीज कर गया कितने फैक्टर से, 2.5, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5/2 को 2.5 भी लिख सकते हैं ना, तो 2.5 × F1, तो हमारा जो नया फोकल लेंथ आएगा वो क्या हो, इंक्रीज कर जाएगा कितना फैक्टर से, 2.5 फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये टफ क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ये एम्स में पूछा हुआ है, और एम्स में एम्स का एग्जामिनेशन जो पहले होता था उसमें इसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देख लेंगे, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इसी टाइप से, जो हम लोग पढ़े हैं उसी से रिलेटेड करके क्वेश्चन देखेंगे, और नीट में मैं बार बार बता रहा हूँ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आसान रहता है, तो उसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं अभी। हाँ, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन बिहेव एज अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, देखें ध्यान से रखेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, वी हैव एज एन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ स्मॉलर पावर इन अ क्या लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। ओके, मान लो कि ये हमारे पास क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने आप इसमें जैसे हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलते जाएगा वैसे वैसे हम लोग को इमेज बना लेना है, और इमेज जैसे जैसे बनाएंगे दिमाग में बनते जाएगा, उस तरह से फिगर अगर यहाँ प्लॉट करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा।
तो पहले बोल रहा है कि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, तो हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है तो मैंने एन ले लिया, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि है ना बिहेव्स कर रहा है एज अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स जैस लेंस ही जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन उसका थोड़ा सा पावर कम हो गया है, पावर कम हो गया मतलब फोकल लेंथ बढ़ गया है, जब इसको एक लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है उसमें मर्ज किए। तो लिक्विड, ऐसा लिक्विड जिसमें अगर किसी लेंस को मर्ज करते हैं और मर्ज करने पे अगर बिहेवियर चेंज नहीं होता है, लेंस अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स ही लेंस रह गया, इसका मतलब क्या है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा। तो यहाँ से एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी आया कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ से एक आ गया। दूसरा फिर से बोल रहा है एंड एज अ कॉन्वेक कॉन्केव लेंस, अब कैसा काम कर रहा है, कॉन्केव लेंस जैसा काम कर रहा है, जब दूसरे लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है उसमें डाल रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं देखें, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस था एन था, इसको हम लोग ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डाल दिए N2 में कि अब इसका बिहेवियर कैसा हो गया, कॉनकेव हो गया। तो कॉनकेव जब बिहेवियर हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि फोकल लेंस का बिहेवियर चेंज हो गया। लेंस का बिहेवियर चेंज तब होता है जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है किससे, मीडियम से, ठीक है। तो एक केस ये आया और दूसरा केस ये आया, एन का जो वैल्यू है N1 से बड़ा है, N1 से बड़ा है एन का वैल्यू, और N2 से क्या है छोटा है, तो N2 से छोटा है। अब देख लेते हैं ये कॉम्बिनेशन कहाँ पे है, N1 सबसे छोटा रहेगा है ना और N2 सबसे बड़ा रहेगा, N1 सबसे छोटा है N2 सबसे बड़ा, N बीच में, तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो ये है केवल ये समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ लेंगे दिमाग लगा लेंगे तो ये क्वेश्चन हम लोग से क्या हो जाएगा, बन सकता है, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस ईच हैविंग अ सेम फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर आर पुट इन कॉन्टेक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, द पावर इन डायोप्टर, पावर निकालना है। तो हमारे पास क्या है, लेंस है, देखते हैं कौन सा है, एक है कॉनकेव लेंस और दूसरा है कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। तो एक का फोकल लेंथ जिसका कॉनकेव है, कॉनकेव का फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर अगर हम लोग लिए हैं है ना, तो कैसा लेंगे, कॉनकेव का फोकल लेंथ जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो -25 सेंटीमीटर। अगर किसका ले रहे हैं, कॉन्वेक्स का ले रहे हैं, इसका फोकल लेंथ जो होगा 25 सेंटीमीटर होगा। पावर निकालेंगे, कॉनकेव का पावर निकालेंगे तो कॉनकेव के लिए पावर हो जाएगा 100 अपॉन फोकल लेंथ होता है -25 यानी -4 डायोप्टर। सिमिलरली कॉन्वेक्स का पावर निकालेंगे तो कॉन्वेक्स का पावर 100 अपॉन +25, इसका मतलब क्या हो गया, 4 डायोप्टर, +4 डायोप्टर हो गया। अब दोनों कंबाइन किए हैं, बीच में गैप नहीं है, ये दिया नहीं है, डिस्कस नहीं है तो समझ आया गैप नहीं है, तो इसका मतलब पावर क्या हो जाता है कॉम्बिनेशन का, P1 प्लस क्या हो जाता है P2, डायरेक्ट जोड़ देते हैं पावर को। तो पावर जब जोड़ेंगे तो एक का है -4 और दूसरे का है +4, मिल के कितना हो जाएगा, 0। तो 0 कहाँ आंसर ऑप्शन दिख रहा है, दिस सी इज द करेक्ट आंसर। तो अब जो पावर बनेगा उसका, उस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्वेक्स लेंस, तो ये भी एक क्वेश्चन है जो कि ज़्यादा टफ है नहीं, आसान है, आसान क्वेश्चन दिख रहा है देखने से, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं नीट में, बस खाली क्या हो रहा है कि उस समय माइंड क्लिक कर जाना चाहिए, माइंड क्लिक करेगा तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। द गिवन फिगर शो अ रे ऑफ लाइट, एक फिगर है जो एक लाइट है ना, गिवन फिगर, ओ फिगर यहाँ पर मिस है, चलिए कोई बात नहीं, फिगर मिस है तो अच्छा, हाँ फिगर हम लोग बना लेंगे, ओके। द गिवन फिगर शो अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू टू मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 एंड 3/2 रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय द रे इज ट्रेवर्सिंग द डिस्टेंस, ट्रेवलिंग होगा, ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ए बी एंड बी सी इज,
ए बी और बी सी ये कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है। तो चलिए हम लोगों ने पहले डायग्राम बनाते हैं, जहाँ तक मेरे को याद होना चाहिए ये डायग्राम इस तरह से होगा। ये दिया हुआ है, ये दो पार्ट में बटा हुआ है, इसका लेंथ कुछ दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर के आसपास था, और इसका लेंथ 3 सेंटीमीटर के आसपास था, ऐसा कुछ था डायग्राम में। अब हम लोगों ने क्या किया कि लेंस को यहाँ से इस तरह से पार होना है, इसमें डायग्राम थोड़ा मिस है तो हो सकता है गड़बड़ हो। 7 और ये 3 इस तरह से दिया हुआ है, मैं इसको देख के अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है जिसका 4/3 दिया हुआ है, और दूसरा ये मीडियम है जिसका इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है कि टाइम का रेशियो निकालना है कि इसमें और इसमें जाने में टाइम कितना लगा, ये ए बी और ये मान लेते हैं सी, ए से बी और बी से सी में। तो ए से बी से बी से सी में जाने में टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो इसमें अगर हम लोग निकालेंगे तो T1 निकालते हैं ए से बी तक, तो ये हो जाता है डिस्टेंस जो म्यू इंटू एक्स, जो ऑप्टिकल डिस्टेंस अपॉन सी, यही हमारा फॉर्मूला आता है टाइम। ऑप्टिकल जो डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल, वो ऑप्टिकल लेंथ डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट, यही हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या निकल जाता है कि ये टाइम निकल जाता है कि इसको यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इसको अगर रेशियो निकालना है टी बी सी भी निकालते हैं, तो ये जाएगा म्यू या μ1x1, यहाँ से हो जाएगा μ2x2 अपॉन क्या हो जाएगा सी, ये दिख रहा है डायरेक्ट, ये ऑप्टिकल डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस μ1x1 डिवाइड बाई सी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस μ2x2 डिवाइड बाई सी, क्योंकि टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वही से हम लोग ये निकालें। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, टी ए बी डिवाइडेड बाई टी बी सी अगर निकालते हैं तो टी ए बी हमारे पास μ1x1 डिवाइडेड बाई सी है ना, और μ2x2 डिवाइडेड बाई सी, सी सी कैंसिल हो गया, सो μ1x1 डिवाइडेड बाई μ2x2 हमारे पास आया। μ1 का वैल्यू हमारा पहला है 4/3 है ना, और x1 का वैल्यू कितना है 7, तो हम लोगों ने 7 ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का 7 डिस्टेंस है डिवाइडेड 7 सेंटीमीटर। μ2 यहाँ से 3/2 है क्वेश्चन में, और यहाँ से डिस्टेंस क्या दिया है, x2 का वैल्यू जो गिवन है, x2 का वैल्यू 3 है तो 3 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे मल्टीप्लाई करने पे देखेंगे कितना आया यहाँ से, तो ये मल्टीप्लाई किए तो रेशियो क्या आ गया, 4 × 7 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई ऊपर में 2 डिवाइडेड बाई 3 × 3 ऐसे आया है। तो ये 56 डिवाइडेड बाई 27 ये हमारा रेशियो आया है, और जो 56 डिवाइड बाई 27 ये आया, ये ऑप्शन ए हमारा आया है, यानी कि हम शायद सही लिए हैं, है ना। 7 और 3 सेंटीमीटर ऐसा दिया हुआ था, ये फिगर दिया हुआ था, और इस फिगर से हम लोग को रेशियो बताना है ए और बी के, हम बाई मिस्टेक फिगर छूट गया है ना। तो यही हमारा फिगर है, बनाने का तरीका यही रहेगा, बस टाइम याद रखेंगे इतना। अब मैं बोलूँगा टोटल टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम निकल जाएगा कितना। तो जितने ये बताए थे कि जितना ज़्यादा मटेरियल रहेगा उसमें μ1x1 अपॉन सी, μ2x2 अपॉन सी ऐसे करते जाएंगे और हमारा स्पीड निकलते जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि ये सीखा कि अगर कोई दो मीडियम है, दो से अधिक मीडियम है, मान के चलो यहाँ पे अलग अलग मीडियम दिया हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ4 है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है x1, इसका डिस्टेंस x2, इसका डिस्टेंस x3 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x4 दिया हुआ है। अब मैं पूछूंगा कि यहाँ से लाइट जब इंटर कर रहा है ए पोर्शन से और बी तक के निकल रहा है, तो ए से बी तक निकलने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से टाइम लगेगा पहला टोटल डिस्टेंस, टोटल ऑप्टिकल डिस्टेंस μ1x1 प्लस μ2x2 प्लस μ3x3 प्लस μ4x4 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई सी, क्योंकि सब सी से डिवाइड है, तो इतना टाइम में ये क्या होगा वहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये सीखे कि मीडियम में लाइट अगर जा रहा है तो कितना देर में के बाद पहुँचेगा। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि ये दो पोर्शन का रेशियो निकालना है, तो आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, हमको खाली कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए, है ना।
तो कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए तो बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन है ना आते हैं नीट में, है ना, और डिस्कस करेंगे, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं कुछ नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम लोग कोई दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो आसान हो, जिससे हमको क्वेश्चन बनाना आसान हो, ठीक है, और आता हो और तुरंत नीट में बन जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस इवनिंग सबको, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।